हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। इसकी रिएक्शन हमने देखी थी कंसनट्रेटेड मीडियम में और डल्यूट मीडियम में। आपको ये चीज़ तो पता है कि कंसनट्रेटेड मीडियम में NO2 बनता है और डल्यूट मीडियम में NO बनता है, जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये वाली चीज़ें अभी तक आप लोगों ने कर दी थी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज फर्स्टली आपने करी थी किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ, ओके। देन आप लोगों ने करी थी मेटलॉइड्स के साथ। देन आप लोगों ने मेटलॉइड्स देन आप लोगों ने किसके साथ करी थी? कंपाउंड्स के साथ। तो भाई अभी बारी आ जाती है किसके साथ? मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ अभी आप लोगों ने इसकी रिएक्शंस करनी है। अभी क्या करनी है हमें? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ किसकी करनी है? नाइट्रिक एसिड विद द मेटल्स, मेटल्स के साथ आपने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ करनी है। और भाई मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये बहुत, इसके लिए वैरी लगा दीजिए कोई 10-12, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप करके आप नहीं जा सकते। और मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में, इस सवाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप लोगों को रटनी पड़ती हैं, बहुत ही रटनी पड़ती हैं, क्रैम करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, याद करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको लोगों को बोलता हूँ कि उन चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। तो आप अगर, एक्सेप्शंस बहुत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा हो रहा होता है वैसा होना नहीं है इधर। अगर इस वीडियो को आपको अंत तक पक्का वॉच करना है, अंत तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं करा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा आपको ये प्रॉपर्टीज़ कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आ सकती, बिकॉज़ भाई इधर एक्सेप्शन ही इतने ज़्यादा हैं, तो ये भाई डिफ़िकल्ट है, इसको रट्टा लगाना पड़ता है। तो भाई मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया, तो भाई आपको कभी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स की हैं उसमें कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही बता दिया इसकी जो इम्पोर्टेंस को, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये भाई हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई क्या ही बोल दूँ अभी, मैं क्या बोलूँ यार इसको, बहुत ज़्यादा। पेपर में बार बार इधर से सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछा जाता है, और ये इजली समझ नहीं आने वाला टॉपिक है। ये इजली समझ, कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो कि आसानी से अवेलेबल होते हैं यूट्यूब वगैरह में और आसानी से समझ आ जाती है, कुछ ऐसा टॉपिक है कि ये यूट्यूब में भी आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उधर भी आपको ये टॉपिक कोई भी अच्छे से नहीं समझा पाएगा। बट अभी हम कोशिश करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझने की, ओके। तो अभी हम देखते हैं भाई, एक एक करके हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। सबसे पहले क्या हो गया, हमें नाइट्रिक एसिड का एक्शन देखना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखना है, एक्शन ऑन मेटल्स, मतलब नाइट्रिक एसिड का हमने एक्शन देखना है किसके ऊपर? मेटल्स के ऊपर। तो सबसे पहले भाई मेटल्स देख लेते कि व्हाट एग्जैक्टली आर द मेटल्स। अभी तक तो आपको मेटल्स की डेफिनेशन पता ही होगी, ये वाली पुरानी वाली डेफिनेशन याद नहीं करनी है, वही वाली कि हाँ भाई मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, कंडक्टर हैं, ठीक है ना, सॉलिड्स होते हैं और लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद नहीं करनी है। मेटल्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस चीज़ में भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? मेटल्स। और आप लोगों ने एक चीज़ 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ी होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी होगी तो मैं इधर बता रहा हूँ भाई, कंसेप्ट आपके क्लियर करता जा रहा हूँ। जिस चीज़ की नीड होगी वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता देनी है, ओके। एक चीज़ होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए अगर वॉच कर रहे होंगे, कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? रिएक्टिविटी सीरीज़, वॉट एग्जैक्टली इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़? रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ मीन्स एक दूसरे के बाद अलग अलग चीज़ें, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़। देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़। इधर से आपको पता लगेगा कुछ, देखो सीरीज़ का मतलब ये होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, है ना, सीरीज़ का वही मतलब होता है। तो भाई ये क्या है, मेटल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आगे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को जब आप लोग अरेंज कर देते हो, ठीक है ना, रिएक्टिविटी के हिसाब से जब आप लोग मेटल्स को अरेंज करते हो, फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट, 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 देन आप लोग उस चीज़ को बोलते हो क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़।
जो आप लोग सबसे इस साइड लिखोगे, सबसे इस साइड लिखोगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो इस साइड लिखोगे वो सबसे कम रिएक्टिव। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले से आई थिंक बता दी है कि भाई जब भी आपको कोई ऐसे पता करना हो, ऐसे किसी बंदे को पता नहीं है, कोई लेमैन आदमी है जिस बंदे को कभी केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं हो, उस चीज़ को अगर बताना हो कि भाई कोई भी जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव कैसे हैं, तो उस बंदे को आप लोग कैसे बताते हो, उस बंदे को आप लोग कैसे बताते हो, उस बंदे को आप लोग बताते हो, उसको आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ बताते हो, उसको एक चीज़ बताते हो। अगर उसका अगर आप लोगों को कंपाउंड दिख जाए, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर NaCl, ये कंपाउंड दिख रहा है ना, इधर क्या मेटल कौन सा, सोडियम है ना, जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो भाई कभी आपने ऐसा सुना है Na, कैरोसिन में डालना पड़ता है, इतना स्टेबल नहीं होता कैल्शियम, तो ये भी मतलब मेटालिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में इतने स्टेबल नहीं होते हैं, ये हमेशा नमक बनाया होता है इन्होंने, ये हमेशा इन्होंने क्या बनाया होता है, नमक बनाया होता है, तब ये चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव। और गोल्ड को जब आप लोगों ने देखा होगा, गोल्ड सिल्वर वो ऐसे कैसे ही पड़े रहते हैं भाई, वो देखिए अकेले हैं, ये किसी और के साथ जुड़े, सल्फेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोराइड के साथ जुड़े हुए हैं, सल्फेट के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये बेचारे अकेले थे, सिल्वर और गोल्ड है ना, गोल्ड और सिल्वर क्या थे, अकेले थे, मतलब ये किसी के साथ जुड़ना इतना पसंद नहीं करते हैं, ये किसी के साथ जुड़ना इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये किसी के साथ जुड़ना इतना पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब ये क्या, रिएक्टिविटी, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इतनी चीज़ बताइए कि समझ आएगी नहीं है। तो अभी देखिए मैं सीरीज बता देता हूँ, एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा, आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, जैसे इधर मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे इधर मैं लिख रहा हूँ पोटेशियम, जैसे सोडियम लिख रहा हूँ, जैसे इधर मैं पोटेशियम लिख रहा हूँ, सोडियम लिख रहा हूँ, कैल्शियम लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, ओके, ये याद कर लीजिए अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी 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 रिएक्टिविटी, ये सारे के क्या हैं, रिएक्टिव हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, मैंगनीस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिंक लिख रहा हूँ, मैंगनीस लिख रहा हूँ, जिंक लिख रहा हूँ, क्रोमियम लिख रहा हूँ, कैडमियम लिख रहा हूँ, आयरन में लिख रहा हूँ, कोबाल्ट लिख रहा हूँ, निकल लिख रहा हूँ, लेड लिख रहा हूँ, लेड और निकल लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए टिन लिख दीजिए, फिर लेड लिख लीजिए, ठीक है ना। Sb लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, ये आगे लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये जो इसके नीचे है ना, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, इतनी चीज़ याद रख लीजिए। देखिए इन एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिए, इन मेटल्स के नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ना यूट्यूब में कोई ट्रिक वगैरह देख लेना, ट्रिक की वीडियो बहुत सारी है रिएक्टिविटी सीरीज़ की, भाई हज़ारों ट्रिक्स होंगी, अगर मैं आपको ट्रिक वाली वीडियो बताने लग पड़ा तो वही बेटा आपका लेक्चर इधर ही खत्म हो जाना है, और जो हमारा मेन मुद्दे का टॉपिक होना है वो चीज़ रह जानी है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब में वो मैं आपको आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, ऐसी वीडियो मैं अवेलेबल नहीं करवाऊंगा जिसके लिए रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस होंगी, ट्रिक की वीडियो भाई हज़ारों वीडियोस होती हैं, ठीक है ना। तो उधर आप लोग देख लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कैसे करें, तो भाई हज़ारों बंदे आ जाएंगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाली चीज़ रिएक्टिविटी सीरीज़, इनमें देखिए ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं, हाइड्रोजन के जो ऊपर है ना ये वाले, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ओके। जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, हाइड्रोजन ये क्या है, लेस रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव। तो भाई इन एलिमेंट इन मेटल्स का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव कैसे हैं, ये फटाफट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, ये फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज़ कर सकते हैं, मेटालिक रिएक्टर ये ठीक ठाक शो कर देते हैं। जैसे सोडियम होगा, जैसे आपका क्या होगा, सोडियम होगा, फटाफट क्या करेगा, माइनस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, क्या बना देगा, के पॉजिटिव बना देगा, सोडियम होगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो क्या बना देगा, Na पॉजिटिव।
जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, लूज कर देती है। तो भाई ये चीज़ हो गई रिएक्टिविटी सीरीज़ का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज़ का आप लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत पता लगे, बस वही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, थोड़ा बहुत पता लगा कि मैं बताना क्या चाहता था रिएक्टिविटी सीरीज़ में। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पता लगा आप लोगों को कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में बताना क्या चाहता था, ठीक है ना। मैंने बता दिया जो हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जैसे ऊपर हो गया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको दिख जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन चार एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, क्या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड, गोल्ड जो ही आप पहनते हो, ठीक है ना, जिसके गहने पहनते हो आप, सिल्वर, उसके भी पहले पुराने ज़माने में गहने पहनते थे, आजकल तो प्रेस्टीज जो सिल्वर के पहने तो वो थोड़ा इसको माना जाता है कि वो ज़्यादा वो नहीं है, रॉयल नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। तो कॉपर, कॉपर भी आपके बारे, कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं, तारे वगैरह होती हैं, तो वो भी, ये चीज़ें क्या है भाई, ये लीस्ट रिएक्टिव है। प्लेटिनम मैंने बोला था बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, रेट देख लेना इधर नेट में देख लेना रेट क्या होता है। तो ये इन चार एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। और इनके अलावा बाकी भी जितने भी होंगे ना, जितने मैक्सिमम जो होंगे, और भी इधर और भी होते हैं, बट मैं आपसे बता रहा हूँ ये जनरली अभी, बाकी जितने इसके अलावा और कोई भी होंगे, जैसे जो आपको पता होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, टिन, लेड, जो मर्जी आ जाए, आयरन, टिन, लेड, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जो भी हो वो ज़्यादा क्या होंगे भाई, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ओके, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, जल्दी से बोल दीजिए ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए, और आपको चीज़ आई थिंक समझ आ भी गई होगी। ओके, देन देखिए अभी बात करते हैं भाई, सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। जब भी मेटल्स की, ये तो पुरानी वाली कहानी बता दी, तो अभी नई वाली कहानी में क्या है भाई, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। तो मेटल्स मैंने आप लोगों को बता दिया भाई कौन से कितने प्रकार के होते हैं, एक तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक लेस रिएक्टिव होते हैं ना, ये वो चीज़ तो बता दी मैंने आपको। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जो ये नाइट्रिक एसिड है ना, जितने नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या है, सिर्फ किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ गोल्ड, एक्सेप्शन कौन से हैं, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। नाइट्रिक एसिड, मजॉरिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड क्या करता है, रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स, एक्सेप्ट क्या हुआ, ये चीज़ याद कर लीजिए कि एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, बहुत सारे मेटल्स के साथ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, एक्सेप्ट क्या हो गया, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो कि ये क्या लेस रिएक्टिव है, गोल्ड और प्लेटिनम, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, मेजॉरिटी ऑफ द जो मेटल्स हैं उनके साथ क्या करता है, रिएक्शंस करता है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, मैंने क्या बोला, सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के नाइट्रिक एसिड क्या करता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है ना, अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बना देता है। तो भाई इसकी हम क्या करेंगे, अभी देखिए आपको एक चीज़ तो पता लग गई है कि मेटल्स को आप अरेंज कर सकते हो इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज। तो भाई फर्स्टली हम उन्हीं की चर्चा करते हैं कि पहले हम उन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। पहले पहले मैंने वो जनरली ये चीज़ बता दी कि मेटल्स के साथ जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होनी है तब क्या होना है, ये जनरल पॉइंट बताया मैंने, जनरल पॉइंट क्या बताया कि गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के बाकी नाइट्रिक एसिड सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, सभी मेटल्स के साथ, एलिमेंट्स नहीं, सभी एलिमेंट्स में तो नॉन मेटल भी आ जाते हैं, मैंने बोला सभी मेटल्स के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बना देता है, बट गोल्ड और प्लेटिनम के साथ वो रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच रिएक्टिव। ओके, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने आपको बता दी है कि अभी हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, विच आर मोर रिएक्टिव
इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और रिएक्टिव, और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो रिएक्टिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब वो होता है कि देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी बता दी थी कि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो भाई वही हो गया ना, जो हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स है वो फटाफट फटाक से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग एज अ मेटल्स, दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग एज अ मेटल्स। ओके, तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता लग गई। अभी देखिए आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ये मेटल्स कौन से हैं, इनके नाम लिख लीजिए थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको उधर लिखा था, ये सारे एलिमेंट्स को आपको याद करना है, ठीक है ना। ये वाले इधर कौन से, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो रिएक्टिव हैं, ठीक है ना, इन सभी के बारे में आप लोगों को बताना है, ये सारे के सारे, ठीक है ना। इन सभी के आप लोग नाम लिख सकते हो। ओके, तो भाई देख लीजिए, इन दोबारा से मैं नाम लिख देता हूँ, विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इनमें क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैं सीरीज नहीं पूरा मतलब अरेंज नहीं कर रहा, ऐसे सिर्फ मतलब नाम लिख रहा हूँ जो रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। ऐसे अभी ये पूरा वो नहीं है, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से अरेंज है। आपको सिर्फ नाम याद करना है कि सिर्फ आपको इतनी पता चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, आयरन कोबाल्ट निकल टिन लेड टिमनी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख दी। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो देखिए ये वाली चीज़ हो गई, देन देखिए अगली चर्चा करते हैं। अभी देखिए अब भी आ गई मुद्दे की चीज़ भाई, इधर क्या होता है भाई, जब भी क्या करता है, जो ये मैंने ऊपर मेटल्स लिखे ना, ये जो रिएक्टिव मेटल्स लिखे जिनकी रिएक्टिविटी क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जब ये क्या करते हैं, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जब ये क्या करते हैं, जैसे मेटल, इनमें से कोई एक मेटल होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक मेटल होगा। ओके, इस चीज़ को मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भाई एक ही बारी में याद हो जाए चीज़, तो भाई तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आसानी से, ठीक है ना। मेटल हो गया, इनमें से कोई भी आपने एक मेटल ले लिया, देन आप लोगों ने क्या ले लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड ले लिया ना। तो भाई आगे क्या चीज़ होती है, तो आपका क्या बनता है, जैसे मेटल होगा ना, आपको पता है एक चीज़, तो आपको पता है भाई एक चीज़ मेरे को याद करिए कि पुरानी वाली जो कि आप लोगों को चीज़ पता है, वो क्या चीज़ पता है आपको, ये इधर मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, ये आपको इधर लिखनी नहीं है, सिर्फ ऐसे इधर डाल दीजिए, डब्बे में डाल दीजिए, कि आपको पता है जब भी मेटल क्या करता था, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता था, ये वाली चीज़, आपका एक नमक बनता था, सॉल्ट प्लस और क्या, हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती थी कि नहीं निकलती थी, जैसे HCl के साथ कंबाइन करा, H2SO4 के साथ कंबाइन करा, तो मेटल्स के साथ जब आप लोग एसिड की रिएक्शन कर, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है ना, अच्छे से आपको, ताकि थोड़ा बहुत पता लग जाए, जैसे Zn है और आपने डाल दिया इसमें क्या, H2SO4, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो ये वाली चीज़ तो आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना, ये पुरानी वाली चीज़ है। देखिए ये मेटल है जिंक, ठीक है ना, और H2SO4 ये क्या है, एसिड है, और इसने जिंक सल्फेट बना दिया, मतलब नमक बना दिया, जिंक लगा हुआ है और सल्फेट लगा हुआ है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस इधर से क्या हो गई, निकल गई, फट, ठीक है ना, उड़ गई, उड़ गई भाई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए इधर क्या चीज़ होगी, इधर क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है ना, इधर क्या सीन होता है, इधर देखिए ये भी क्या है, मेटल है, और इधर क्या है, ये एसिड है, मेटल है और एसिड है, एसिड है ना, तो आपके हिसाब से एक तो नमक बनना चाहिए, ठीक है ना, नमक कौन सा, इधर इधर से H2SO4 था ना, तो सल्फेट बना, तो इधर क्या बन जाएगा भाई, इधर आपका मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा, है ना, ये चीज़ तो समझ आती है ना, एग्जाम्पल से सब कुछ पता लग जाएगा, मेटल का कौन सा नमक बन जाएगा, मेटल का नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे CaNO3, है ना, CA2NO3, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, जैसे Mg2NO3, ये वाले कुछ इस तरीके से नमक बन जाएंगे, है ना, ये वाली चीज़ तो पता लगी ना। तो मतलब क्या बन जाना है, कौन सा नमक बन जाना है भाई, आपका बन जाना है भाई कौन सा, नाइट्रेट बन जाना है, ठीक है ना, मेटल का नाइट्रेट बन जाना है, और आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, आपके हिसाब से इधर H2 गैस निकलनी चाहिए,
आपके हिसाब से इधर H2 गैस निकलनी चाहिए और निकलती भी है, बट इधर नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती। इधर आप लोगों को क्या एक एक दो केसेस में निकलती है, और बट आपका क्या निकल जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया भाई? अभी देखिए इस चीज़ को समझ, मैंने बोल रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ही तगड़े तरीके से समझ लीजिए। निकलना क्या चाहिए था, H2, बट इधर नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस निकलती भी है, बट इसके मतलब मजॉरिटी केसेस में नहीं निकलती है। उधर क्या निकलता है आपका, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये बात किसकी हो रही है, जब मैं रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेटल्स की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस किसके साथ कर रहा हूँ, रिएक्टिव मेटल्स के साथ। तो आपकी क्या निकल गई, नेसेंट हाइड्रोजन आपकी निकल गई, नेसेंट हाइड्रोजन आपकी निकल गई। आपको चीज़ पता है नेसेंट का मतलब क्या होता है, अकेले ये बेचारा ये जोड़ा बनाता था H2, ऐसे होता था ना, H O2, H2 हाइड्रोजन गैस ऐसे होती थी, गैस गैस होती थी। बट ये चीज़ क्या है, जो ऊपर चीज़ है ये क्या है, अनस्टेबल है भाई, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो भाई ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा भाई, ये क्या करेगा? आपको पता है आपके सैंपल में नाइट्रिक एसिड, जो आप जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो उधर नाइट्रिक एसिड और भी होगा, है ना। तो ये क्या करता है, इसको कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, तो ये उसके साथ क्या करने, जुड़ने की कोशिश करता है। जब ये किसी के साथ जुड़ गया तो आपको पता है कुछ आपका अलग सा, ये किसी के साथ अगर जुड़े गए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज, भाई बोल दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी आपका हाइड्रोजन गैस निकल, सॉरी, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो आपका कौन सा, कुछ रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, कौन सा आपका, एक रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, आपका क्या बन जाएगा, आपका एक रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। देन देखिए रिडक्शन प्रोडक्ट बन गया और क्या बनेगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों का एक रिडक्शन प्रोडक्ट बन गया। देन आप लोगों का क्या बनेगा, उसके साथ एक चीज़ निकल जाता है आपका, क्या, पानी, पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है। मैंने बोला था देखिए ओ दिख रहे हैं, एच दिख रहे हैं, कितने सारे एच दिख रहा है, ओ दिख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाई इधर क्या कुछ पानी निकला होगा? तो बस भाई पानी निकल गया होगा। तो बस इस चीज़ को भाई बेटा नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और इससे भी ज़रूरी चीज़ मैं आगे लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको सिंपल सी बात याद करनी है, पुरानी बात आपको क्या पता है, जब भी मेटल्स क्या हाइड्रो नाइट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका एक कोई नमक बनता है। वो देखिए इधर NO3 लगा हुआ है, तो आपका नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना, नाइट्रेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बन गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, बट इधर क्या निकली आपकी, नेसेंट हाइड्रोजन निकली। ओके, नेसेंट हाइड्रोजन निकली, और नेसेंट हाइड्रोजन आपको पता है कि वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। नाइट्रिक एसिड देखिए इतना तगड़ा एसिड नहीं है, है तो तगड़ा बट इतना तगड़ा नहीं है, तभी इधर से हाइड्रोजन गैस नहीं निकली। इधर से क्या हो गया, ओनली ओनली क्या निकला आपका, ओनली आपका नेसेंट हाइड्रोजन निकला। नेसेंट हाइड्रोजन जब आप लोगों का निकला तो आपको पता है नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो फटाफट किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। तो वही क्या हो गया आपके, वो नाइट्रिक एसिड के साथ दोबारा से, उधर सैंपल में पड़ा होगा नाइट्रिक एसिड, तो उसके साथ से जुड़ा जब, तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन प्रोडक्ट आपका बन गया। रिडक्शन प्रोडक्ट मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट, एग्जाम्पल से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई, रिडक्शन प्रोडक्ट आपका बन गया। ओके, रिडक्शन प्रोडक्ट आपका बन गया। ओके, और क्या निकल गया आपका, पानी निकल गया। ओके, ये चीज़ बोलिए कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, जल्दी से बोल दीजिए, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। इतनी चीज़ जिस बंदे को समझ आ गई तो बेटा आपका थोड़ा बहुत काम तो हो गया, ठीक है ना। अभी ये जो रिडक्शन प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिडक्शन प्रोडक्ट, अभी देखिए इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, ठीक है ना, पुरानी कंसेप्ट थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ आपका, ठीक है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा, थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं आपका। ये चीज़ तो आपको पता लग गई है, कंसेप्ट आपका क्या है, H NO3। तो भाई देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, हाइड्रोजन का कितना होगा, +1, नाइट्रोजन का लिख दीजिए X, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा X, इधर ये वाला लिख दीजिए +1 -6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई इधर कितना, -6 +1 कितना हो जाएगा, -5, और दूसरी साइड चला गया तो कितना हो जाएगा, +5। इधर नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट है +5, और ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, +5 से ज़्यादा वो नहीं जा सकता।
अभी आप बोलोगे सर इसका तो पेंटावेलेंसी ये शो नहीं करता था, बट इधर देखिए ऑक्सीजन भी लगा हुआ है ना, तो इधर कुछ अलग सा सीन हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी लगा हुआ है इधर, तो अलग सा कुछ सीन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है ना। +5 है, तो इसकी रिडक्शन प्रोडक्ट कैसे बनेगा अगर इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। इसके बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट होते थे, जैसे +4 होता था, +3 होता था, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ये सारे के सारे इसके ऑक्सीजन स्टेट्स होते थे ना। तो अगर इनमें से किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में वो अगर आ जाए तो उसकी क्या हो जाती है भाई, रिडक्शन। ये वाली चीज़ तो आप लोगों को पता है, रिडक्शन प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से आप लोगों के बनेंगे। तो अभी मैं उन्हीं रिडक्शन प्रोडक्ट की कहानी लिखता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, इस चीज़ को समझ लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। बहुत बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या चीज़ होता है भाई, ये चीज़ अगर आप लोगों ने समझ ली ना, तो आपका बहुत ज़्यादा काम आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझने की कोशिश करिए, आपका क्या हो गया HNO3, है ना। HNO3 अगर देखिए क्या हो जाए, एक नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाए, अगर एक नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाए, है ना, एक नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाए। देखिए अभी पहले इसको सिर्फ लिखिए इसको, ठीक है ना। दोबारा से लिखता हूँ मैं अच्छे से, HNO3 उसमें क्या हो जाए, एक नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है ना। और अभी देखिए इधर से जब नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसका, तो इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने, एक और दो और एक पानी, पानी निकाल दीजिए इधर, H2O पानी निकाल दिया आपने, तो क्या हो गया आपका, क्या बचा, NO2, NO2 बचा, है ना, NO2 बचा ना। देखिए कैसे इधर क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं बना होगा, H2 NO3, तो आपने H2 निकाल दिया और O निकाल दिया, तो क्या हो गया NO2, NO2 बचा, है ना, NO2 बचा ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, NO2 आपकी चीज़ बच गई। देन देखिए उसके बाद चीज़ देखिए, उसके बाद NO2 दोबारा से दो नेसेंट हाइड्रोजन और ऐड करिए, ठीक है ना, दो नेसेंट हाइड्रोजन और ऐड करिए और पानी निकाल दीजिए दोबारा से, तो क्या हो जाएगा, 2H, H2 हो गया ना, H2 और एक ऑक्सीजन इधर से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बचा, गया बचा आपका NO, NO बचा, है ना। ये चीज़ बची कि नहीं बची, बच गई भाई। देन देख लीजिए अभी इधर क्या कर दीजिए आप, पांच नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, पांच नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए। तो भाई अभी क्या करें, अभी देखिए पानी निकाल दीजिए, पाँच है ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा भाई, H5NO, है ना, H5NO, तो आपको क्या पानी निकालना है, तो बचा, बचेगा क्या फिर, एच कितने, 3 बच जाएंगे, एन कितना बच जाएगा, एक और ऑक्सीजन निकल गया होगा, तो ये क्या चीज़ है भाई, NH3, अमोनिया नहीं बन गया, अमोनिया बन गया भाई आपका NH3। देखिए नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं और आपका क्या अलग अलग चीज़ें बनती जा रही हैं, ठीक है ना। नेसेंट हाइड्रोजन आपका बनता जा रहा है, ये वाली चीज़ हो गई। और भी ना, NH3 क्या है, बेस है, तो भाई क्या हो जाएगा, अभी देखिए इस रिएक्शन को भी देख लीजिए, ये अगर HNO3 के साथ अगर कंबाइन कर गया, दोबारा से नाइट्रिक एसिड आ रहा है ना, दोबारा से नाइट्रिक एसिड आएगा सैंपल में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये एसिड, ये बेस है, ये एसिड है, तो भाई नमक बनेगा ना आपका, देखिए NH3 है, तो ये क्या, HNO3 है, तो आपको पता है एच पॉजिटिव तो लूज़ करेगा, तो एच पॉजिटिव ये लूज़ करेगा, तो ये चीज़ गेन कर लेगी, तो क्या बन जाएगा, NH4 नहीं बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और पीछे क्या बन गया, NO3, तो आपका नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी NH4NO3, है ना। ये चीज़ कैसे बनी, NH3 क्या है, बेस है, तो HNO3 क्या है, एसिड है, एसिड क्या करता है, एच पॉजिटिव को लूज़ करता है, एच पॉजिटिव को अगर ये लूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, वो गेन कर लेगा, तो इधर क्या है, NH4 पॉजिटिव और NO3, ये क्या बन गया आपका, नमक बन गया। ओके, ये वाली चीज़, देन देखिए ये वाली चीज़ अगर आपकी नमक बन गई, देन देखिए अगर आप लोग क्या करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे इस नमक को, और क्या हो जाएगा, इधर से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो बचा क्या, H2 इधर से निकल जाएगा और O इधर से निकल जाएगा, तो बचा क्या भाई, H2 और O, H2 और O, तो आपकी चीज़ बन जाती है लास्ट में N2O। अभी देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत, इधर ये चीज़ें बनी, ये इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा भाई, इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ओके, क्या बोला मैंने, इधर से देखिए दो पानी के मॉलिक्यूल निकालिए, दो पानी के मॉलिक्यूल, एक से आई थिंक काम नहीं चलेगा। ओके, इधर क्या हो जाएगा आपके, दो पानी के मॉलिक्यूल निकाल दिए, दो पानी के मॉलिक्यूल निकालने का मतलब क्या, आपने 4H निकाले और दो इधर से निकाल दिए, ठीक है ना, जैसे NH4
NO3, तो H2 और O2 है ना, ये चीज़ निकली ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, H2O, मतलब चार H निकालने हैं और एक ऑक्सीजन निकालना है, चार ये वाले निकल गए, मिटाई दिए मैंने NH4। तो देखिए ये क्या करने हैं, ये चार एच निकल जाएंगे और एक इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा आपका, बन नहीं जाएगा N2, एक एन ये बड़ा हुआ है, एक ये बड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन इधर से एक निकल जाएगा, तो आपका क्या हुआ, N2O बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की बन गई। ओके, इन चीज़ों के बारे में वही चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अभी देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं भाई आपके रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो मैंने आपको मैंने बताया था ना ऊपर, देखिए ये रिएक्शन बताई मैंने आपको, ये रिएक्शन बताई ना मैंने आपको, मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल नाइट्रेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉरी नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाता है। जब वो नेसेंट हाइड्रोजन इसके HNO3 के साथ कंबाइन करता है तो आपका क्या बन जाता है, रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाते हैं। रिडक्शन प्रोडक्ट मैंने आगे जो नीचे लिखे ना, वही रिडक्शन प्रोडक्ट है वही इधर, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोडक्ट है सारे के सारे, NO2 है, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे क्या है आपके रिडक्शन प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे रिडक्शन प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। ये सारे के सारे अगर रिडक्शन प्रोडक्ट बन गए तो भाई अगली कहानी देखिए आगे क्या होता है। तो अभी देखिए ये कैसे बने, तो अभी सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए भाई क्या क्या चीज़ है, रिडक्शन प्रोडक्ट है डिक्रीज होना चाहिए भाई ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, डिक्रीज होना चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन जब भी जुड़ रहा होगा तो आपका क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए भाई डिक्रीज, इधर क्या हो जाएगा +5, HNO3 के केस में +5, NO2 के केस में क्या होता है भाई +4 ऑक्सीजन से, ये वाली भी चीज़ मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दी है। NO2 का क्या होता है, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या होता है +4, डिक्रीज हो रहा है ना +5 से +4, तो रिडक्शन हो रही है, तो NO की तरफ जब जा रहे हो तो इधर होता है +2, इधर नाइट्रोजन का कितना होता है +2, NH3 में होता है नाइट्रोजन का -3, -3 होता है, और इधर देखिए इधर ये हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ जुड़ रहा है, जो आपका बेस बन चुका था वो नाइट्रिक एसिड के साथ जुड़ा है, तो इधर ऑक्सीजन स्टेट का इतना कोई सीन नहीं है, ठीक है ना, इधर कोई सीन नहीं है। इधर देखिए नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट में क्या होता है +5 होता है, ठीक है ना, और इधर NH4 है, इधर कुछ अलग होगा, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आप लोग इधर 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 इतना ऑक्सीजन स्टेट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इधर दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं तो दोनों का क्या अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो भाई आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इधर देखिए, अगर इस चीज़ को, ये नमक बन गया आपका, नमक को आप लोग हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा, N2O बन जाएगा, ठीक है ना, इस इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +1 ऑक्सीजन स्टेट। ओके, तो आपको एक चीज़ तो पता लग रही है ना भाई, ये भाई जब भी हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है तो भाई आपकी रिडक्शन होती जा रही है, ये रिडक्शन, ये रिडक्शन, ये रिडक्शन, ठीक है ना, इधर तक रिडक्शन हो गई, और जब भी आपकी अमोनिया बन गया, अमोनिया क्या है, बेस है, वो जब HNO3 के साथ कंबाइन करेगा, एसिड बेस जब जुड़ते हैं तो आपको पता है नमक बन जाता है, तो नमक आपका कौन सा बना, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, अमोनियम नाइट्रेट को जब आप लोगों ने हीट करा, गर्म करा इसको जब आप लोगों ने, तो आपका बन गया N2O, N2O जब आपका बन गया तो वही चीज़ क्या होती है, उसको वो N2O बन गया, ठीक है ना, उधर ऑक्सीजन स्टेट कितना है +1। तो आपको इतनी चीज़ तो समझ आ रही है ना भाई, देखिए ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये अगर पेपर में याद करनी होगी ये तो कर लेना, बट मैं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट का आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करते जैसे जितने जितने हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं, देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा तो NO2 बना, दो जुड़े तो आपका क्या बन गया, तो दो और जुड़ गए, ठीक है ना, मतलब तीन जुड़े, अगर नाइट्रिक एसिड में तीन जुड़ जाएँ, ठीक है ना, तीन एच जुड़ जाएँ, एक दो तीन, तीन जुड़ जाएँ तो आपका NO बन जाता है, तो तीन ये हो गए, पाँच ये हो गए, आठ जुड़ जाएँ तो आपका अमोनिया बन जाता है, ठीक है ना, और अमोनिया के साथ अगर नाइट्रिक एसिड जुड़ जाए तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है भाई ये, ऐसी चीज़ किसी ने नहीं पढ़ाई होगी यूट्यूब में, अगर जिसने पढ़ाई होगी तो बेटा मेरे को बता देना, मैं उसको ये इनाम घोषित कर लूँगा, ठीक है ना, उसके लिए इनाम घोषित कर लूँगा, ये वाली चीज़ याद कर लेना भाई बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी कंसेप्चुअल चीज़ है। अभी देखिए आपकी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अभी देखिए कहानी क्या होती है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है भाई, कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है भाई, देखिए अभी आपको एक दो तीन चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है ना, दो तीन चीज़ें बताता हूँ, तो उन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एक तो होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3, एक तो होगा समझो वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3,
कंसनट्रेटेड HNO3। अब भी देखिए ये वाली चीज़, देखिए वेरी डाइल्यूट का मतलब है ना, इधर कोई नाइट्रिक एसिड पता कितना प्रेजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड इधर कोई प्रेजेंट होगा 0.001 कुछ इतना प्रतिशत। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है अभी, मतलब वेरी डाइल्यूट का मतलब ही क्या, डाइल्यूट कर दिया आपने बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें एसिड क्या है बहुत ही कम प्रेजेंट है, ठीक है ना, बहुत ही कम प्रेजेंट है, और बाकी सारा का सारा क्या है 99.99999, वो सारा का सारा क्या है एसिड है, सॉरी एसिड नहीं पानी है। और डाइल्यूट को समझ लीजिए कोई 10%, 10% आपका क्या है नाइट्रिक एसिड, 10% क्या है नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड में समझ लीजिए भाई कोई 50% या 60% आप समझ लीजिए, वो उधर क्या है नाइट्रिक एसिड है और बाकी क्या है पानी है। तो भाई देखिए ये चीज़, देखिए ये मैंने ये वाला कंसेप्ट जो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट, ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए जो नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहा था वो कहाँ से निकला था, एच इधर से निकला था, इस हाइड्रोजन से निकला था, जो नेसेंट हाइड्रोजन निकला था वो इस एच से निकला था, नेसेंट हाइड्रोजन जो निकला था वो इस एच इधर से निकला था। अभी अगर वही कम होंगे, ये कम होंगे तो फटाफट ये क्या करेंगे, कम होंगे तो इतने एच नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, इतने एच नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन नहीं कर पाएंगे, इतने एच नहीं निकलेंगे। मतलब थोड़ा बहुत देखिए ये वाली किसी बुक में चीज़ नहीं मिली, बट मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको चीज़ याद हो जाए, ठीक है ना, ये मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है, कोई आई थिंक कंसेप्चुअल चीज़ ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट समझाने का तरीका है आपको, ठीक है ना। देखिए इधर HNO3 में क्या है, एच बहुत ही लेस होंगे, एच क्या होंगे बहुत ही लेस, और इधर देखिए डाइल्यूट है, तो भाई एच तो बहुत सारे डाइल्यूट, मतलब बहुत सारा उधर नाइट्रिक एसिड भी इतना प्रतिशत है, ठीक है ना, तो उधर एच बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, एच अवेलेबल बहुत सारे होंगे डाइल्यूट के केस में, और इधर वेरी डाइल्यूट के एच इतने अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आगे आगे वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना, आगे आगे फर्दर वो रिएक्शन नहीं करेंगे। कंसनट्रेटेड में क्या होता है भाई, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, मतलब ये इधर देखिए ऐसे लिखता हूँ मैं, वो क्या होते हैं कंसनट्रेटेड में क्या होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जुड़े होते हैं, मतलब एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, तो मतलब एच इतना मूव नहीं कर पाएगा, एच इतना मूव नहीं कर पाएगा, तो मतलब इस इधर भी आप समझ लीजिए कि एच इतना अवेलेबल नहीं होगा, एच मतलब अवेलेबल तो होगा, एक एच तो नेसेंट हाइड्रोजन तो निकला होगा, अवेलेबल तो होगा, बट ज़्यादा एच अवेलेबल इधर नहीं होंगे, ज़्यादा एच अवेलेबल, सबसे ज़्यादा एच अवेलेबल कहाँ पे होंगे इधर में, वो आसानी से मूव कर सकते हैं बिकॉज इतना सारा पानी है ना, इतने पानी में वो आसानी से मूव कर पाएंगे, बट वेरी डाइल्यूट में क्या सीन है भाई, है ही वही एसिड ही कम है, तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, एच उधर भी क्या है बहुत कम है और इधर भी क्या है नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उधर भी क्या है बहुत कम है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इतनी चीज़ याद कर लीजिए भाई कि डाइल्यूट में क्या होता है एच बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे होते हैं एच, जो आपके एच निकलते हैं ना वो बहुत सारे निकलते हैं डाइल्यूट के केस में, ठीक है ना, एच निकलते हैं जो क्या वो बहुत सारे निकल सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट ऐसे मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएं वो वाली चीज़ है। देखिए रिएक्शन जब होती हैं बीकर में होती है, कौन सी चीज़ें बन रही हैं वो उधर बन गए होते हैं वो लास्ट में हमें पता लगता है, बट अभी हर एक चीज़ का कंसेप्ट बता पाना ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इधर कंसेप्चुअल चीज़ आपकी बुक में कहीं पे भी ये नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना, बट मैं जो मेरे को तरीका लगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एच उधर अवेलेबल बहुत सारे होंगे बिकॉज पानी होगा ना इतना सारा, और है समझो इधर 10% नाइट्रिक एसिड था तो उधर एच अवेलेबल होंगे बहुत सारे, ठीक है ना, और डाइल्यूट में क्या इतने एच अवेलेबल नहीं होंगे, और कंसनट्रेटेड में क्या होंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उधर भी इतने एच अवेलेबल नहीं होंगे। तो भाई देखिए ये वाली चीज़, अभी देखिए चीज़ जो, अभी देखिए हार मत मानिए, देखिए चीज़ आपको पता लगेगी, ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता लग गई, इसको पहले मैं मिटा ही देता हूँ फिर आगे देखते हैं, आगे की चीज़ देखते हैं। देखिए अभी तक चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, जल्दी से बोल दीजिए अभी तक चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भाई देखिए इधर दो मॉलिक्यूल्स H2O के निकल गए, तो आपकी ये चीज़ बन गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ बन गई। तो अब भी देखिए ये वाली चीज़, मैंने क्या बोला कंसनट्रेटेड में H क्या है बहुत ही कम अवेलेबल है, मतलब एक अवेलेबल है, कंसनट्रेटेड में H क्या है बहुत ही कम अवेलेबल है, मतलब एक अवेलेबल है, ठीक है ना, एक अवेलेबल है, तो आपका क्या बन जाएगा कंसनट्रेटेड के केस में, आपको बनता है ना NO2 बनता है, कंसनट्रेटेड के केस में आपको होता है NO2 बनता है ना, NO2 बनता है ना कंसनट्रेटेड के केस में, भाई यही चीज़ NO2 बनेगा कंसनट्रेटेड बिकॉज एच उधर बहुत ही कम अवेलेबल हैं, ओके एच उधर क्या है बहुत ही कम अवेलेबल हैं,
ओके एच उधर के यहाँ बहुत ही कम अवेलेबल है, तभी आपका सिर्फ एक ही एच लगा और आपका क्या बन गया, NO2 बन गया। और डाइल्यूट के केस में देखिए मैंने क्या बोला, एक तो वेरी डाइल्यूट के उसको वो अलग केस का है ठीक है ना, एक है डाइल्यूट का केस। डाइल्यूट के केस में क्या होगा भाई, बहुत सारे एच अवेलेबल हो सकते हैं, इधर ये वाली एच अवेलेबल हो सकते हैं, ये वाले एच अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपका क्या चीज़ बन सकती है, आपकी NO बन सकता है ठीक है ना, NH3 बन सकता है। अगर आपका क्या होगा, ये वाली चीज़ भी बन सकती है, अगर HNO3 ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो भाई ये वाली चीज़ भी तो बन सकती है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। बट और लास्ट में अगर आप लोगों ने इसको हीट कर दिया तो NO2 भी बन सकता है। तो भाई डाइल्यूट के केस में देखिए कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, बट कंसनट्रेट के केस में मैंने क्या बोला, एच इतने अवेलेबल नहीं होंगे, तभी आप लोगों का क्या बनता है, फटाफट +5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, मतलब NO2 ही बनता है। ओके ये वाली चीज़ याद, कंसेप्ट क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का कंसेप्ट ये है कि आपका जो कंसनट्रेटेड के केस में चीज़ है ना, कंसनट्रेटेड के केस में आपका क्या बनता है, NO2 बनता है, और डाइल्यूट के केस में आपका कुछ भी बन सकता है, आपका NO बन सकता है, NO तो बनता ही था ठीक है ना, जब हमने रिएक्शन वो करी थी, NH3 बन सकता है, और अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है, NH4 NO3 बन सकता है, और लास्ट में N2O भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है भाई डाइल्यूट के केस में ठीक है ना। वेरी डाइल्यूट का अलग केस है ठीक है ना, आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट के केस में बहुत सारी चीज़ें बन, बिकॉज उधर एच अवेलेबल बहुत सारे होते हैं, बट कंसनट्रेटेड में एच अवेलेबल क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स, मैंने कंसेप्ट क्या दिया है कि मॉलिक्यूल्स उधर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ अगर क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो भाई वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन इतने अवेलेबल नहीं होंगे, हाइड्रोजन इतने अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज कंसनट्रेटेड है भाई, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, आपका जैसे आपने एक चीनी वाला पानी लिया जिसमें आपने पानी लिया एक जग, दूसरे में जग ले लिया पानी का ठीक है ना, और चीनी डाल दी एक जग, एक में एक जग और एक में डाल दी एक कोई एक उसका वो एक टीस्पून, एक टीस्पून डाल दिया, तो भाई टीस्पून वाला तो फटाफट वो उसको बहुत सारी स्पेस होगी, वो डाइल्यूट हो गया ना, बहुत सारी स्पेस होगी उसको मूव करने के लिए, तो एच अवेलेबल ठीक ठाक हो सकते हैं ठीक है ना। बट कंसनट्रेटेड में देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, जिसमें आपने एक जग चीनी का डाल दिया तो उधर क्या होगा, इतने एच अवेलेबल, इतने मतलब चीनी के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ठीक है ना, अवेलेबल बिकॉज उनके लिए मूवमेंट की, वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो वाली चीज़ होगी। तो उधर आपका बन जाता है कंसनट्रेटेड के केस में NO2, और डाइल्यूट के केस में ये सारी की सारी चीज़ें। ओके ये चीज़ें आप लोगों को अगर समझ आ गई तो आपका क्या हो गया, काम आसान हो गया। ओके काम आसान हो गया आपका, काम आसान हो गया आपका ठीक है ना। अगर इतनी सी चीज़ जिस स्टूडेंट को पता लग गई ना, ये कंसेप्चुअल चीज़ है भाई, कंसेप्चुअल इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर ये वाली रिएक्शंस करनी थी। तो अभी देखिए भाई क्या करता है, अभी देखिए ये बहुत सारी कंडीशंस है ठीक है ना, आपका रिडक्शन कहाँ तक हो रही है, रिडक्शन आपकी कहाँ तक हो रही है, रिडक्शन आपकी कहाँ तक हो रही है, मतलब आपका NO2 बन रहा है, NO बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, या तो NH4 NO3 बन रहा है, या तो क्या N2O बन रहा है, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंडीशंस पे रिडक्शन प्रोडक्ट, आप रिडक्शन आपकी कहाँ तक हो रही है, इधर तक हो रही है, तो ये डिपेंड करता है कहाँ कहाँ तक रिडक्शन कहाँ तक हो रही है, डिपेंड करता है आपकी ये सारी चीज़ों के ऊपर कि मतलब आपका मेटल कैसा है, नेचर ऑफ मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नेचर ऑफ उस मेटल्स का नेचर कैसा है ठीक है ना, मेटल वो कैसा हुआ है ठीक है ना। और दूसरी चीज़ के कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेशन ऑफ HNO3 इस चीज़ के ऊपर तो डिपेंड करता है, मैंने बता दिया, अगर आपने कंसनट्रेटेड ले लिया तो आपका NO2 बन जाता है, अगर आपने डाइल्यूट ले लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं ठीक है ना, और आप लोगों का टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन सभी का इफेक्ट आप लोगों को पता लग जाएगा, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा ठीक है ना। ये कंसनट्रेटेड अलग अलग प्रोडक्ट बनते थे, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर अगर NH4 NO3 है, इसको आपने हीट कर दिया तो आपका NO2 बन जाता था ना, N2O लास्ट में जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, तो ये टेम्परेचर देखिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी N2O बन जाता है, ये वाली अलग चीज़ हो गई ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर तो डिपेंड करता है, ये देखिए आपने अलग अलग मेटल्स लिए तो आपकी अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। ओके ये वाली चीज़ तो आपको पता लग गई, ओके चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, चीज पता लगी कि नहीं पता लगी। तो भाई देख लीजिए, सबसे पहले मैं एक केस लेता हूँ, कौन सा सबसे पहले आ गया मेरा, वेरी डाइल्यूट, मैंने क्या ले लिया, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर मैंने बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया होगा, मैंने बोला इसका अलग सीन है ठीक है ना,
ये थोड़ा आप एक्सेप्शंस की तरह समझ सकते हो, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ओनली आपके कौन से मेटल्स कंबाइन करते हैं, ये देखिए ये मेटल्स की मेटल्स कौन कौन से जुड़ते हैं, ये वाली चीज़ आप लोगों को याद करनी। मैंने बोला था ना इसमें आप इस क्वेश्चन में रटने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इधर कौन कौन सी चीज़ है, एक तो है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज, Mn, एक है क्या मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज। तो इधर आपकी सिंपल रिएक्शन हो जाती है, जैसे बाकी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं ना, वैसे इधर भी रिएक्शन हो जाती है। इधर क्या होता है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या क्या होता है कि इधर क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम होगा ना HNO3 नाइट्रिक एसिड के, तो क्या आपको पता है मैग्नीशियम का नमक बन जाना है MgNO3 2 Mg3NO2, और क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इधर डाल दीजिए 2। तो अभी देखिए ये क्या हुआ, ये वही पुरानी वाली रिएक्शन, जब भी मेटल्स किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये सिर्फ ओनली किसके केस में होता है, वेरी डाइल्यूट एसिड के केस में। जब मैंने डाइल्यूट ले लिया जिसमें आपने थोड़ा बहुत एसिड और डाल दिया, तो अलग अलग सीन हो जाने होता है, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड ले ले तब कुछ अलग हो जाना है, ठीक है ना। बट अभी क्या हो गया कि मैंने आपको ऊपर लिखा था ना कि आपका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है वो डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसी है। कंसंट्रेशन में मैंने क्या ले लिया, वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट के केस में सिर्फ क्या करते हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज कंबाइन करते हैं, तो मैग्नीशियम का नमक और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो अभी देखिए ये वाली चीज़, मैंगनीज भी होता है, मैंगनीज भी कंबाइन कर जाता है किसका, 2HNO3 के साथ, और आपका क्या बन जाएगा, MnNO32+ हाइड्रोजन गैस निकल गई। बिल्कुल सेम, मैंगनीज भी ऐसे ही कंबाइन करता है। तो अभी देखिए आप बोलोगे इधर रिडक्शन कैसे हो रही है, रिडक्शन को मैं समझाता, सॉरी ऑक्सीडेशन को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम है, इधर एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, प्लस 0, 0 ऑक्सीजन स्टेट होगा ना ये, तो इधर कितना हो गया, जैसे ये कैसे बना, मैग्नीशियम कैसे बना हुआ, Mg+2NO3-1। तो NO3 के चरणों में मैं मैग्नीशियम का चार्ज और NO3 मैग्नीशियम के चरणों में NO3 का चार्ज, तो क्या हो गया, Mg के चरणों में 1 आ गया और NO3 के चरणों में क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका बन गया क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। वैसे ही मैंगनीज का क्या होगा, +2 चार्ज होगा, और नाइट्रेट का क्या होगा, NO3-1 चार्ज। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की बन जाएगी। वही चीज़ बोलिए कि चीज़ समझ आई कि नहीं आई, चीज़ समझ आई कि नहीं आई, भाई कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर दीजिए, चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई नहीं, ये बाउंसर बज रहे हैं, चीज़ समझ आनी चाहिए। अभी भी अगर चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा फिर मैं क्या ही करूँ भाई, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर तो आपको किसी और टीचर को से समझना चाहिए कि अगर मैं आपके लिए कारगर नहीं हूँ, फिर आपको अलग और किसी टीचर को टेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जितना जैसे मैं समझा सकता था तो मैंने समझा दिया, ठीक है ना। ओके, ये वाली चीज़ अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, अगर फिर मेरे को पूछिए, अगर फिर भी समझ नहीं आई, अगर मेरा फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मेरे आंसर से, तो भाई किसी और टीचर को वही वो किसी और टीचर से पढ़िए कि वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उधर से देख लीजिए, वो क्या पता उनसे समझ आ जाए आपको। तो अभी देखिए दूसरी जो एग्जाम्पल हो गई, फर्स्टली इधर क्या होता है, पहले मैं दे रहा हूँ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड डाइल्यूट। देखिए अभी मैंने ऊपर क्या क्या चीज़ें बोली थी, मैंने बोला था आपका रिडक्शन प्रोडक्ट कैसा बन रहा है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो या तो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड पहले वेरी डाइल्यूट लिया, तो अभी मैंने क्या लिया, डाइल्यूट लिया। और एक और चीज़ मैंने बोली थी कि नेचर ऑफ द मेटल, मेटल का नेचर कैसा है, मेटल कैसा है, जैसे अभी मैंने मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ वही दो मेटल्स है, और किसी के साथ रिएक्शन मत कर देना वो वाली, ठीक है ना। उधर मैंने वो वाली चीज़ ही करनी है, ठीक है ना। और इधर क्या, कोल्ड एक केस में मैं ले लूँगा हॉट, एक केस में ले लूँगा कोल्ड, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, एक ठंडा है एक गर्म है। तो ये वाली चीज़ हो गई, इसके साथ कौन कौन से कंबाइन करते हैं ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। इधर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, जिंक, ये याद कर लेनी है एग्जाम्पल्स भाई, ये याद कर लेनी है, ठीक है ना। मैग्नीशियम, जिंक और टिन, एक मैं करवाऊंगा और बाकी आप लोगों ने खुद कर लेनी है, टिन आयरन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, और आपकी क्या चीज़ बन जाती है, आपकी चीज़ बन जाती है कौन सी, आपकी चीज़ बन जाती है कोल्ड है, तो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट। क्या चीज़ बन जाएगी आपकी, अमोनियम नाइट्रेट। आपकी क्या चीज़ बनेगी, आपकी चीज़ बनेगी अमोनियम नाइट्रेट। आपकी क्या चीज़ बनेगी, आपकी चीज़ बनेगी अमोनियम नाइट्रेट। अभी देखिए हॉट होता तो अमोनियम नाइट्रेट क्या चीज़ थी, NH4NO3। इसको जब आप लोग हीट करते थे तब आप लोग क्या होता था, पानी निकल जाता था ना,
तो आपकी क्या चीज़ बन जाती थी, N2O। अगर जब मैंने अगर हॉट लिया होता तो N2O बन जाता था, बट अभी इधर क्या है कोल्ड है, तो आपके क्या बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई? भाई ये वाली चीज़ समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है ना? ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, देखिए कंसेप्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, अगर आप लोग ऊपर ऊपर से जाओगे तो फिर क्या ही समझ आएगी, ठीक है ना? तो आप लोगों को कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ओके, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अगर कंसेप्ट को समझोगे तो फिर ही तो ये चीज़ पता लगेगी। कंसेप्ट नहीं समझोगे, रटने की कोशिश करोगे, तो भाई रट्टे के लिए मैं आपको जो रट्टे वाले बंदे होंगे ना उनको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, बट समझ के करोगे तो बेटा ज़्यादा आसानी से चीज़ें आप ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है ना? बिकॉज समझना एक बार होता है और पूरी उम्र के लिए वो याद रह जाता है। ओके, ये वाली चीज़ फिर ठीक है, अभी समझ रहे हो ना, तो आपको इसको इन एग्जांपल्स को घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? फिर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला, जिंक कौन कौन से मेटल्स होते हैं? जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम, टिन और आयरन। तो एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिंक की उठा लेते हैं, बाकी सिमिलर इसकी हो सकती हैं, ठीक है ना? जिंक तो इसके साथ क्या करेगा, HNO3 कम्बाइन करेगा, तो आपको पता है क्या चीज़ निकल जाती है, ZnNO3 2, है ना? और इधर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जो वेरी डाइल्यूट था सिर्फ उधर निकलेगी आपके हाइड्रोजन गैस, इधर आपके हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, इधर आपके दो नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो अभी क्या होगा, अभी आपका HNO3 होगा, नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है ना? नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगे ना दो। अभी देखिए आपका HNO3 है, HNO3 है पड़ा हुआ ना, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन HNO3 पड़ा होगा, उसके साथ अगर देखिए एट एच जुड़ जाए, एट एच जुड़ जाए, तो आपको पता था भाई उधर क्या बन जाता है, आपका अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। और आपके पानी के मॉलिक्यूल्स कितने निकलते हैं, तीन पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है ना? ये वाली चीज़ तो आपको पता है, ये वाली चीज़ आपको कैसे पता है अभी अभी बताता हूँ, ठीक है ना? अगर HNO3 के साथ एट पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो आपका अमोनिया मिल जाता है और आपके तीन वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ ऊपर, देखिए ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, देखिए ये वाली चीज़ है, ये नाइट्रिक एसिड है ना, तो इधर देखिए एक जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है ना, एक ये जुड़ रहा है, दो जुड़ गए, दो एक और दो तीन और पाँच कितने हो गए, तीन और पाँच कितने हो गए भाई, तीन और पाँच कितने हो गए, आठ। आठ जब हाइड्रोजन H जुड़ जाए, नेशन हाइड्रोजन जुड़ जाते तो आपका क्या बनता है, अमोनिया बन जाता है। पानी कितना निकला था, एक ये निकला, दो निकले और तीन निकले, तीन पानी आप लोगों के निकल गए, है ना? ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई, ऊपर हमने की हुई है, तो बस वही चीज़ हमने इधर के लिए, इधर क्या करा हमने HNO3 में, जब क्या करा HNO3 है ना, उसमें क्या करा एट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नेशन हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना ऊपर, वो हमने बैलेंस कर दिया अभी रिएक्शन को, अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना? एट हाइड्रोजन जब आपने इधर जोड़ दिए तो वही क्या होगा, आपका अमोनिया निकल गया और तीन पानी के मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो अभी देखिए एट हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल करना होता है ना, तो इधर कितने हैं, दो है ना, तो इधर ऊपर कितने कर लीजिए, फोर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ फोर के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ कर दीजिए होल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर के साथ, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो आपकी कट हो जाएगी। ओके, ये वाली चीज़ तो और ये वाली चीज़ आपकी कट हो जाएगी। और अभी देखिए अमोनिया है, और भी तो नाइट्रिक एसिड पड़ा होगा ना इस सॉल्यूशन में, और भी तो नाइट्रिक एसिड पड़ा होगा, मैंने बोला था नाइट्रिक एसिड बहुत सारा पड़ा हुआ है, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है, डाइल्यूट में नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, वो फ्रीली मूव कर पा रहा होता है, तो अवेलेबल भी होता है, कंसनट्रेटेड में वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, तो दैट्स व्हाई अवेलेबल नहीं होता। तो आपको इधर क्या बन जाएगा, वही चीज़ NH4 और NO3। तो भाई अभी क्या कर लीजिए, ये अमोनिया और ये अमोनिया भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी देखिए प्लस करते हैं सभी को, जिंक कितने हो गए, चार हो गए ना, 4Zn, और नाइट्रिक एसिड कितने हो गए, चार, चार इधर हो गए ना, चार इधर हो गए ना, पाँच और छः, छः हो गए, चार नहीं इधर, सॉरी इधर दो थे, इधर दो थे, मैं स्किप कर दिया मैंने, इधर दो नेशन हाइड्रोजन निकल रहे थे ना, तो इधर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो दो और दो चौके आठ, आठ और नौ और एक दस, तो दस HNO3 निकल रहे हैं, दस HNO3 निकल रहे हैं। देन देखिए उसके बाद जिंक नाइट्रेट कितना है, 4Zn NO3 2। देखिए पानी कितना होगा, 3H2O, पानी के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 3HNO3, NH4 NO3 बन रहा होगा, ये एक ही होगा, ठीक है ना, NH
NH4 NO3 ये वाली चीज़ बन रही होगी। भाई बोलिए कमेंट बॉक्स में कि ये रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है आपको। क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन आपने वो लिखी, मैंने क्या बोला उधर देखे आपने रिएक्शन करी थी ना, मेटल था, मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो आपका क्या नमक बन जाता है और नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाता है, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाती है और फिर वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो अलग अलग किस्म के रिडक्शन प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक ही रिडक्शन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये रिडक्शन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये रिडक्शन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे इधर क्या बन गया, अमोनिया बन गया, क्यों, बिकॉज 8 हाइड्रोजन आपके जुड़ गए, 8 हाइड्रोजन जुड़ गए और 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, तो अमोनिया फर्दर अगर HNO3 के साथ अगर कंबाइन कर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ये वाली चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, पता। ये हमने जिंक के साथ रिएक्शन कर ली, ये हमने जिंक के साथ रिएक्शन कर ली। ऐसी ही सिमिलर रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हो, सिमिलरली आप, ये मैंने एग्जांपल्स देने, सिमिलरली भाई बैलेंसिंग में बिल्कुल ऐसे ही करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है ना, सिर्फ जिंक की जगह पे क्या लगा देना है, इधर 4SN और बाकी सब कुछ वही, इधर क्या बन जाएगा आपका 4SN NO3 2 टिन का नाइट्रेट, और इधर क्या 4 आयरन आयरन, और इधर क्या 4 Fe NO3 2। इसका नाम था जिंक नाइट्रेट, इसका नाम था क्या, जिंक नाइट्रेट, इसका नाम है, इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है स्टेनस, STANNOS, स्टेनस, OUS, OUS मतलब कम ऑक्सीजन स्टेट है, इधर ऑक्सीजन स्टेट कितने +4, एक स्टैनिक होता है उधर कितनी होती है +4 होती है, बट आपका इधर क्या बन रहा है स्टेनस, इधर क्या बन रहा है फेरस, FERROUS, इधर क्या बन रहा है आपका फेरस, फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैंने क्या बोला, आपका जिंक टिन और जिंक टिन और आयरन, ठीक है ना, इनके केस में क्या होता है, जिंक टिन और आयरन के केस में, जिंक टिन और आयरन के केस में आपका क्या नाइट्रेट बन जाते हैं और आपका क्या अमोनियम नाइट्रेट निकलता है। अमोनियम नाइट्रेट मेन थिंग है भाई, मेन थिंग क्या है, अमोनियम नाइट्रेट आपका बन जाता है। तो भाई देखिए बाकियों के केस में क्या होगा, बाकियों के केस में क्या होगा, जैसे लेड, लेड क्या है के, इस केस में कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में केस में वो क्या एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन है भाई ये, इधर आपका क्या बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट नहीं बनता है भाई, इधर आपका अमोनियम नाइट्रेट नहीं बनता, उधर क्या बन जाता है आपका NO बन जाता है, NO बन जाता है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको पता है कब बनता है, देखते हैं ऊपर कब बनता है, जब कितने हाइड्रोबाड्रा मॉलिक्यूल्स, जब कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ते थे, जब कितने नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ते थे, देखिए 1 और 2 3, तो आपका NO बन जाता था, ठीक है ना, जब 3 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएँ तो आपका NO बन जाता है। ओके, तो बस वही चीज़ आप लोगों ने अभी करनी है। टीन हो गया, सॉरी लेड हो गया 2 HNO3, है ना, ये वाली चीज़। तो पहले तो आपने वही इसका नमक बना दिया PbNO3 2। ओके, नेसन हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ओके, तो अभी इधर क्या हो गया, आपको पता है HNO3 अवेलेबल होगा बहुत ज़्यादा, HNO3 अवेलेबल होगा ना, तो आपने क्या करना है, दो इधर नेसन हाइड्रोजन कितने जोड़ देने हैं, 3H, 3 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका NO बन जाएगा, सॉरी पहले अच्छे से करते हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे याद होगा ही नहीं, ठीक है ना। आप लोग क्या करना है, इधर पानी कितने, 2 पानी निकलते थे इधर, एक NO बनता था और पानी कितने निकलते थे, 2 निकलते थे, ठीक है ना, और जुड़ते कितने हाइड्रोजन थे, 3। जब NO बनना हो तो कितने हाइड्रोजन जुड़ते थे, 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये वाली कहानी हो गई। तो अभी देखिए बैलेंसिंग कर लीजिए, इधर H2O निकला था, H2O, ठीक है ना, ये वाली चीज़ पता लग रही है कि नहीं लग रही, पता भाई चीज़ पता लग रही है कि नहीं पता लग रही। देखिए इधर बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिए, अभी देखिए इधर कितने 3 है ना, इधर कितने 2 हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम, एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है ना, तो इसको 3 से और इसको 2 से 6 हो गया ना, 6 हाइड्रोजन इधर भी बन जाएंगे, इधर भी 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो ये इन्होंने कट जाना है। ओके, बाकी क्या हो जाएगा, आपने लिख दिया लेड कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा ना, 3 Pb, और नाइट्रेट कितने हो गए, इधर कितने हो गए, 6 हो गए,
और दो इधर होंगे, 6 2 8, 8 4 9 3, और क्या हो जाएगा आपका 3 PbNO3 2, और क्या हो जाएगा 2 NO प्लस वाटर कितने हो जाएंगे 4। NO दो क्यों? बिकॉज ये दो से मल्टीप्लाई करो ना, 4 पानी क्यों? बिकॉज इधर दो निकले थे ना, दो थे इधर, दो निकलेंगे जब आप इधर देखोगे ना तो बैलेंसिंग वगैरह करोगे तो इधर दो वो निकलते थे, दो पानी निकलते थे, तो 2 2 4 हो गए, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई भाई। देखिए इधर आपको चीज़ याद करते हो, पता क्या करनी है, देखिए आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद करनी है कि भाई जिंक आयरन और टिन के केस में क्या निकलता है। जिंक आयरन और टिन के केस में अमोनियम नाइट्रेट निकलता है, और लेड क्या है, एक एक्सेप्शनल गैस है जहाँ पे क्या नाइट्रिक ऑक्साइड आपका निकलता है। ओके, ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई। देखिए अभी अभी क्या चीज़ हो गई, अगर क्या कर लीजिए, अगर देखिए ये सारी जो चीज़ें आपने लिखी है ना इधर, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने किसी ने बोल दिया कि भाई आप डाल दीजिए, भाई इसमें क्या डाल दीजिए, आप जैसे आपने ऊपर बनाया ना, कौन सा जिंक वाली एग्जांपल करी थी, जिंक वाली एग्जांपल करी थी ना, जिंक नाइट्रेट बनाया था, जिंक नाइट्रेट, अगर आप कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जगह पे अगर कोई बंदा बोल दे आपको कि भाई इधर हॉट नाइट्रेट, हॉट डाल दीजिए, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एग्जाम्पल लेते हैं वही जिंक वाली अपनी, ठीक है ना, फेवरेट 2, इधर क्या ले लिया आपने, थर्ड कैसे, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 ये हो रहा है, ठीक है ना। इधर आपको पता है लास्ट में क्या NO2 बनता है, N2O बनता है लास्ट में, बिकॉज पानी भी निकल जाता है ना, तो ये वाली चीज़ HNO3, तो इधर क्या होता है ZnNO3 2, और क्या दो नेसेंट हाइड्रोजन आपके निकल जाते हैं, दो नेसेंट हाइड्रोजन अगर आपके निकल गए, देन देखिए आगे क्या चीज़ होती है, आगे चीज़ होती है HNO3, HNO3 कितने कंबाइन करेंगे, HNO3 कितने कंबाइन करेंगे, इधर 8 हाइड्रोजन आपके जुड़ जाएंगे, तभी आपका क्या बनता था, आपका इधर क्या बनता था, आपका बनता था अमोनिया बनता था, और पानी कितने निकलते थे, 3 पानी निकलते थे, ये वाली चीज़ भी तो आपको पता है, ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अमोनिया अगर किसके साथ, HNO3 के साथ कंबाइन कर जाए तो आपका क्या बन जाएगा, NH4NO3, NH4NO3 को आप लोग क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, बिकॉज हॉट है ना, हॉट का मतलब ही क्या होता है, वही टेम्परेचर आपने बढ़ा देना तो पानी निकल जाना, तो आपका क्या बन जाता है N2O, पानी कितना निकलता था, 2 मॉलिक्यूल निकलते थे N2O, ये चीज़ बन गई। तो भाई ये देख लीजिए जी, देख लीजिए जी, ये अमोनियम नाइट्रेट कैंसिल, अमोनिया अमोनिया कैंसिल, इसको होल मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, बाकी सारी की सारी कार्रवाई आप खुद कर सकते हो, आई डोंट थिंक इधर ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन आप लोग मैग्नीशियम के साथ भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये अभी ये जो होगी ना रिएक्शन, ये मैग्नीशियम के साथ भी आप लोग कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ पता लग जाएगी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप लोग उसके साथ मैग्नीशियम के साथ भी कर लीजिएगा, तो उधर भी मैग्नीशियम का नाइट्रेट बन जाएगा और लास्ट में N2O बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ भी आपका MgNO3 2 N2। देखिए सिंपल सी कहानी है, जब आपको कोल्ड बोला हो तो आपको अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, अगर हॉट बोला हो तो भाई अमोनियम नाइट्रेट से भी पानी निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा। भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई, भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई। अभी देखिए कंसनट्रेटेड के साथ करते हैं, कंसनट्रेटेड के केस में भाई सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा सिंपल सी है, इधर आपको पता है सिर्फ क्या होना है, कंसनट्रेटेड के साथ कौन सा, जिंक भी मैग्नीशियम लेड, भाई जो 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 आपको दिख रहा है भाई कंबाइन कर दीजिए, ठीक है ना, जिंक मैग्नीशियम लेड याद करना है भाई, कौन सी चीज़ किसके साथ कंबाइन करिए, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ आपने किसी के साथ भी जोड़ देनी है, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है ना। मैंने तभी बोला था रिएक्शन वाला क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आपको रट्टा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रट्टा मीन्स पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तो रट्टा लगाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना, रट्टा तो लास्ट में लगाना ही है, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने लेना है, आपको पता है बनना क्या है, NO2, और रिएक्शंस किस किस के साथ होनी है, रिएक्शन होनी है जिंक के साथ करवा दीजिए, मैग्नीशियम के साथ करवा दीजिए, बिस्मत के साथ करवा दीजिए, PB लेड के साथ करवा, जो जो लिखे होंगे ना उधर नोट्स में, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पेपर में कुछ ऐसे अजीब सी आ गई ना, तो सिर्फ आपको इतना कंसेप्ट पता होगा ना कि हमारी डाइल्यूट के साथ ऐसे करते हो, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड के साथ ऐसे करते हो, वेरी डाइल्यूट के साथ ऐसे करते हो, अगर कोई अटपटी एग्जाम्पल आ गई तो आप उधर से वो चीज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए कि हाँ भाई वो मेटल आता कहाँ, रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। मैंने बोल दिया कि लेस रिएक्टिव में आपके वही मेटल्स आते हैं, वो मैंने उनके नाम बता दिया आपको, ठीक है ना। जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या सारे बाकी
सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई. अब ये कंसनट्रेटेड वाली एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक. जिंक भाई आपका क्या है, दोस्त है भाई, ये तो हमेशा लेना है आपने इसको, बिकॉज जिंक की बड़ी बार पेपर में पूछी जाती है, तब मैं आपको जिंक को पूछ रहा हूँ, जिंक और कॉपर की, ठीक है ना. एन ओ थ्री टू, दो नेशन हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है ना, दो नेशन हाइड्रोजन निकल गए. तो इधर दोबारा से एच एन ओ थ्री, जब एन, जब आपका क्या एन ओ टू बनना होता था, तो भाई कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ते थे, एक ही हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता था, पानी कितना निकलता था, एक ही निकलता था. तो भाई आपका काम तमाम भाई, क्या कितनी ईजी रिएक्शन है. देखिए मल्टीप्लाई कितने से कर लीजिए, होल्ड टू के साथ, ताकि दो इधर भी बन जाए और ऊपर दो थे, ठीक है ना, ये कट जाएंगे. तो आपका क्या इधर क्या बन जाएगा, टू टू, ये इसके साथ नीचे वाले के साथ है भाई, इधर क्या सिर्फ लिख दीजिए जिंक, और इधर क्या टू टू नहीं, थोड़ी दो नीचे है ना, दो ऊपर है, फोर एच एन ओ थ्री, फोर एच एन ओ थ्री, और क्या हो जाएगा जिंक का नाइट्रेट हो जाएगा जेड एन एन ओ थ्री टू, और पानी कितने हैं, टू एच टू ओ है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितने, एन ओ टू. देखिए इधर बन क्या रहा है, एन ओ टू बन रहा है, ठीक है ना, एन ओ टू बन रहा है भाई इधर, लेकिन और कुछ नहीं बन रहा, इधर क्या बन रहा है, एन ओ टू बन रहा है. तो ये रिएक्शन सिमिलर सी रिएक्शन जिसमें आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या बनाना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट एम जी एन ओ थ्री टू, बी आई से क्या बनाना है, बी आई एन ओ थ्री, और लेड से क्या बनाना है, पी बी एन ओ थ्री टू बनाना है, ठीक है ना. तो इधर क्या हो जाएगा, वो निकलेगा क्या, एन ओ टू निकलेगा. ये वाली चीज़ आपको पता है, और वो वाली रिएक्शन आपने कर देनी है, डिटेल वाली जैसे मैंने ऊपर लिखी ना, वैसे ये वाली चीज़ कर देनी है. तो ये वाली रिएक्शन भी इधर हो सकती हैं. इधर क्या है, एक एक्सेप्शन केस है. इधर एक केस क्या है, एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शन केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है इधर किसका, टिन का. टिन का उधर तो आपने बना दिया था भाई, उधर तो आपने क्या बना दिया था, उधर टिन जब आप लोग क्या करते हो, टिन की रिएक्शन जब आप लोग क्या करते हो, वेरी डाइल्यूट, सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या हॉट हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आप लोगों का क्या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कुछ बन जाता था, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कुछ बन जाता था, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कुछ बन जाता था, या तो N2O बन जाता था या तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता था. बट देखिए ये एक्सेप्शन है, मैंने क्या बोला भाई, एक्सेप्शंस को आपने बहुत ही तगड़े तरीके से करना होता है भाई. देखिए केमिस्ट्री में पूछते ही वो एक्सेप्शन, उनको पता है बेटा इधर फंसेगा, उनको पता है कि स्टूडेंट इधर फंसेगा, बिकॉज एक्सेप्शन की तरफ बंदा ध्यान नहीं देता. तो भाई देखिए एक्सेप्शन, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, टिन की एक्सेप्शन है, इधर कुछ आपकी अलग चीज़ बन जाती है. जैसे इधर क्या टू एच एन ओ थ्री, इधर आप वही वाली रिएक्शन लिखते हो जो आपने पहले दो रिएक्शन मैंने रटवाई थी आपको, डाइल्यूट वाली और कंसनट्रेटेड वाली. इधर क्या हो गया एच टू हो गया, और इधर क्या टू एन ओ टू, और इधर क्या नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है ना. तो अभी देखिए टिन क्या होगा, ये टिन ले लिया आपने, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन होगी और पानी होगा. तो इधर आपकी चीज़ पता क्या बन जाती है, इधर आपकी चीज़ जो बन जाती है उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है एच टू एस एन ओ थ्री. ये इसको बोलते हैं आप स्टैनिक एसिड, मेटा स्टैनिक एसिड, इसका नाम है भाई स्टैनिक एसिड. जैसे आप ऑक्सो एसिड होता है ना, ऑक्सो एसिड एच थ्री पी ओ फोर, एच थ्री पी ओ फोर, इधर एक एसिड बन जाता है जिसका नाम है मेटा स्टैनिक एसिड, इसका नाम क्या एच टू एस एन ओ थ्री, एच टू एस एन ओ थ्री, इसका नाम है मेटा स्टैनिक, नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, मेटा स्टैनिक एसिड. ये कैसे बनाया, देखिए इधर एस एन एच टू कितने दो हैं, एस एन कितने हैं एक है, ऑक्सीजन कितने हैं एक दो, इधर डाल दीजिए तीन हो गए ना, एच टू एस एन ओ थ्री, इसका नाम याद कर लीजिए, इसका नाम है मेटास्टैनिक एसिड. देखो ऑक्सीजन इधर दो है ना, होल मल्टीप्लाई कितने से कर लीजिए, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो भाई क्या हो जाएगा आपका, इधर टिन बन जाएगा, टिन होगा ना, टिन होगा. तो इधर क्या हो जाएगा एच एन ओ थ्री कितने होंगे, चार होंगे, फोर एच एन ओ थ्री, फोर एच एन ओ थ्री होंगे, और इधर क्या बनेगा आपका एच टू एस एन ओ थ्री, और एन ओ टू कितने बनेंगे, बना तो देखिए निकला तो एन ओ टू है, बट उधर देखिए नाइट्रेट नहीं बना, आपका क्या बना मेटास्टैनिक एसिड बना, और पानी निकला होगा. इस चीज़ को नाम क्या देते हो आप, इस चीज़ का नाम है मेटास्टैनिक एसिड, इस चीज़ का नाम क्या है मेटास्टैनिक एसिड. तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, ये वाली चीज़ हो गई. आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है ना. तो अभी देखिए एक बहुत ही पैसिविटी, पैसिविटी
पैसिविटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कभी कभी पता क्या होता है, जैसे जब आप लोग क्या करते हो, पैसिविटी ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो ये भी जैसे मैंने एक्सेप्शंस बताया ना, ये भी क्या कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। जैसे ये वाले मेटल्स होते हैं, ये वाले कंसनट्रेटेड ये वाले मेटल्स होते हैं, कौन से, जैसे हो गया आयरन, हो गया आयरन ने देखे उधर उधर क्या बनाया था, आयरन ने उधर क्या बना दिया था, आयरन ने अपना फेरस नाइट्रेट बना दिया था, फेरस नाइट्रेट बनाया था आयरन ने, बनाया था। क्रोमियम, निकल, इनके भी उधर डाइल्यूट के केस में नाइट्रेट वगैरह बन सकते हैं, ठीक है ना। और एलुमिनियम, ये वाली चीज़ याद कर लीजिएगा, आयरन उधर यूज़ करा था, ठीक है ना, इधर हमने बनाए नहीं थे, बट उधर आप, अगर आप डाइल्यूट के केस में कोई पूछे तो आपने बोल देना कि हाँ भाई डाइल्यूट के केस में ऐसे वो उधर अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है और इनका नाइट्रेट बन सकता है, क्रोमियम नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट, ऐसे लिखा नहीं है बट आपको कोई पूछे तो आप बोल सकते हो उधर नाइट्रेट बन सकता है। बट अगर आपको कोई पूछे कि कंसनट्रेटेड, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या होता है भाई, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में पता क्या होता है कि ये जो है ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकल और एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, निकल और एल्यूमिनियम, इनके क्या होते हैं कि जैसे ये रिएक्टिविटी शो कर रहे होते हैं ना, रिएक्टिविटी शो, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी एक ही चीज़ होती है, लेकिन रिएक्टिविटी और एक्टिविटी एक ही चीज़ होती है, रिएक्टिविटी शो, एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। क्यों? ये अपनी एक्टिविटी को रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, एंड बिकम पैसिव। एक होता है एक्टिव, जो कि भाई बड़ा तंदुरुस्त है, बड़ा ठीक ठाक एक्टिव है, हर एक काम में हर एक काम ठीक ठाक करता है, ठीक है ना, नाइट्रेट बना देता है अपने ठीक ठाक, बट ये क्या है, पैसिव है। ये क्या हो गया, इतने तगड़े तरीके से नाइट्रेट नहीं बना पाएगा, वो क्या हो जाता है, पैसिव बन जाता है। वो पैसिव क्यों बन जाता है, वो एक्टिविटी शो क्यों नहीं करता है, बिकॉज भाई उसके ऊपर पता क्या होता है, जो ये आयरन है ना, ये क्रोमियम है, ये निकल है, एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एक जैसे आयरन होगा, आयरन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्रोमियम के ऊपर उसका ऑक्साइड बन जाएगा, निकल के ऊपर उसका ऑक्साइड बन जाएगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर भी उसका क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे आपकी मैंने लिखी हुई है इधर नोट्स में, कि इधर देखिए, इधर क्या है, तीन आयरन है, पहले यही लिख दीजिए, बैलेंसिंग बाद में करते हैं, आयरन होगा ना, और इधर क्या होगा, HNO3 होगा, आपकी क्या चीज़ बन जाती है, आपकी ये चीज़ बन जाती है Fe, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, जैसे मैंने बताया था मिक्सड ऑक्साइड Fe3O4, जब फेरस और फेरिक दोनों जुड़ जाते हैं, फेरस और फेरिक ऑक्साइड दोनों जुड़ते हैं तो मिक्स्ड ऑक्साइड बन जाता है। तो ये इधर क्या Fe3O4, ये वाला मैंने चीज़ आपको पहले से बताई हुई है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले से बताई हुई है। और क्या निकल जाता है, और आपका देखिए कंसनट्रेटेड है ना, कंसनट्रेटेड है तो NO2 तो निकलना ही है, NO2 निकल जाता है, और क्या हो जाता है आपका 4H2O, मतलब H2O वगैरह कुछ निकल जाएगा, H2O वगैरह बैलेंसिंग वगैरह खुद देख लेना, ठीक है ना, इतना ज़्यादा बैलेंसिंग का कुछ सीन नहीं है, कंसनट्रेटेड ना, दैट्स वाई NO2 बन रहा है, ठीक है ना। एक्टिविटी लूज क्यों करी, बिकॉज ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, देखिए इस आयरन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, फेरोफेरिक मिक्सड ऑक्साइड बन गया आपका, ठीक है ना। और पानी तो आपको पता है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए पानी तो निकलता ही है भाई। बस ये वाली रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट हो गई। ओके, हमने और पढ़ना था बट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो चीज़ समझ नहीं आई होगी, बिकॉज ये चीज़ डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ ये चीज़ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा है, बट मैंने आप लोगों को क्या बोला था, लेक्चर से पहले ही मैंने आप लोगों को वॉर्न कर दिया था कि भाई ये जो टॉपिक है ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार रिपीटेडली वीडियो को देखिए, तो ये चीज़ आप लोगों को चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू।